हेलो, वेलकम बैक टू शजन जे के फिल्म। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं तो अच्छे से होंगे। तो अभी हम हैं शाहदरा शरीफ, और शाहदरा शरीफ से अभी हम निकल रहे हैं डीके जी की तरफ, और मैं चलाने वाला हूँ नवीद का बुलेट 350, और वो चला रहा है मेरी KTM। तो अभी हम निकल रहे हैं शाहदरा शरीफ से, दुआ वगैरह करके, लंगर वगैरह खा के यहाँ से निकल रहे हैं थना मंडी, और थना मंडी से निकलना है डीके जी की तरफ। तो डीके जी का ब्लॉग्स अच्छा सा आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और लाइक ज़रूर करें, और साथ में कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी है, और नेक्स्ट व्लॉग में किस चीज़ पे बनाऊं कमेंट में ज़रूर बताना, उसी पे व्लॉग आएगा। तो निकलते हैं यहाँ से, अभी हम निकल रहे हैं सीधा थाना मंडी। तो एंजॉय होने वाला है, कुछ फोटोग्राफी होने वाली है जो इंस्टा पे आपको मिल जाएंगी, स्टोरी वगैरह पोस्टें वगैरह और रील जो जिन्होंने फॉलो नहीं किया हुआ वो फॉलो कर दो इंस्टा पे, शायद जेके फिल्म डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और भाई को सपोर्ट करो यार, आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है मुझे, अभी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करोगे। तो चलो फिर निकलते हैं यहाँ से, अभी हम शादरा से मिलते हैं। तो अभी हम निकले हैं शादरा शरीफ से बाजार पे, खाने तो बहुत जल्दी लग जाता है क्योंकि रश वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत बड़ा लंगर है शाहदरा शरीफ, तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, जाम वगैरह लग जाता है। भाई दे दे साइड, अब वो भी नवीद वगैरह तो बट अभी हमसे वो निकल गए हैं आगे, आगे वो वेट करेंगे हमारा। अजा भाई अजा, कर ले ओवरटेक, तेरे पास तो KTM है आज। ओवरटेक करना बहुत मुश्किल है, KTM बुलेट KTM को ओवरटेक नहीं कर सकता, KTM आराम से ओवरटेक कर लेती है बुलेट को, क्योंकि KTM बहुत जल्दी रेस पकड़ लेती है, कुछ सेकंडों में ही वो बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है, 7-8 सेकंड के अंदर तो 100+ कर देती है KTM। तो बुलेट आराम से स्पीड पकड़ती है और उस वजह से ओवरटेक नहीं हो सकती KTM। चलो बट हम भी KTM के साथ साथ ही रखेंगे, हम भी नहीं पीछे हटने वाले, दौड़ेगा बुलेट में। मज़ा आ गया आज की राइड का। अभी हम शाहदरा गए हुए थे, शाहदरा से दुआ वगैरह खाना वगैरह खा के, तो अब हम निकल रहे हैं डीके जी की तरफ। हो जाए रेस, हो जाए रेस, हो जाए। ये बुलेट की रेस है। ओए
125 सीसी आगे जाती है बुलेट से, जिस प्रकार से ये चल रही है 350 सीसी क्लासेस, इसका क्यों हार नहीं है, है बस। ये नीचे लग रहा है यार, टर्न जब ले रहा हूँ मैं। नहीं यार, वीडियो में बोल, वीडियो में बोल, वीडियो में बोल ना, भाग सकता या नहीं भाग सकता। जैसे ये टर्न लेता हूँ ये नीचे लग रहा है, ओ भाई ये ब्रेक लगती है साथ। मैं भी सोचा क्या चक्कर है यार, ये जो नीचे लग रही है इसकी बार बार। रोड गंदी थी यार, फिर भी ये रोड ठीक है यार, थनमंडी से। तीन सौ पचासी जली है मेरी, तो यहाँ पे होने वाला है हमारा शूट, पे फोटोग्राफी वगैरह करेंगे, जंगल में मंगल होने वाला है यहाँ पे। जबरदस्त नजारा, केटीएम केटीएम चला के कैसा महसूस हुआ? दर्द करना स्टार्ट हो गई यार। बुलेट के, हाँ बुलेट पे तो हाथ सीधे रहते हैं, तो हाथ सीधे रहते हैं यार। और इससे ये थक गया हूँ यार, एक तो बंदा मेरे पीछे यार कंफर्ट रहता ही नहीं है, पीछे वाला बंदा तो कंफर्टेबल नहीं है इसमें केटीएम में। यार जगह देखो यार, व्यू देखो यार, नजारा है नजारा, व्यू देखो यार, व्यू यार देखो यार। चले ऊपर टॉप पे चले भाई यार, थोड़ा उठते हैं यार, मैं थक गया हूँ यार। तो कुछ लाया ना कुछ सामान नीचे से? सफियान सफियान लाया ना सामान खाने के लिए कुछ?
कमाल कर भाई, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मस्त है रहा, मस्त है। के टी एम सिर्फ रेसिंग के लिए, वो कंफर्टेबल भी और आराम से चला सकता है बंदा। नहीं बुलेट चला के एकदम मस्त, मतलब ज्यादा स्पीड पे रेसिंग भी नहीं कर सकता बंदा उस पे। टर्न में थोड़ी प्रॉब्लम आती है बुलेट पे, बुलेट पे टर्न प्रॉब्लम आती है। सीट कंफर्टेबल है, नहीं इस पे तो थकता ही नहीं, इतना मर्जी सफर कर ले आदमी। सीट बहुत ज्यादा जबरदस्त सीट है बुलेट की। बाइक अच्छी है यार केटीएम, वो तो केटीएम तो स्पोर्ट बाइक है, कंफर्टेबल नहीं है उस पे दिया हुआ। इतना कंफर्ट नहीं है यार, मतलब भाई पकोड़े सब्सक्राइब, ये मेरे सब्सक्राइबर के लिए सबसे पहला पकोड़ा खा लो ट्राई। चलो चलो ऊपर चलते हैं डीके जी। चल आगे जा, लगा दो गाड़ी यहाँ पे। नहीं आती यार यहाँ पे नजारा यार, पीर गली ओए, छत्ते पानी के मोड़ वो सामने है, छत्ते पानी के मोड़ मेरे में बर्फ पड़ी हुई है, वहां पे ही रोड बंद है, आज भी दोबारा हुई है, आज ही खोली, कल आज खुली थी ना, गाड़ी आई है जय बात, दोबारा बंद कर दिया, कल शायद दोबारा खुलेगी। कौन सी ये वाली पता नहीं आ रहा, ये कौन सी है, पीर की गली ये है, ये सामने वाली वो छत्ते पानी और उसके पीछे पीर की गली, छत्ते पानी टहा था ना पीर गली के साथ, सामने जहाँ पे अभी बर्फ हो रही है। नेक्स्ट प्लान चलना है पीर की गली दुबजिया तक, अभी कहाँ चलेंगे, अभी रोड ही बंद है वहाँ पे। अभी यहाँ पे शूट कर अपने ऊपर, कहाँ नहीं ऊपर नहीं जाते, आगे आर्मी कैंप है, वो नहीं जाने देते। अरे इधर ही फोटोग्राफी करो, अभी लेट भी हो गए चार पांच, और यहाँ पे फोटो बड़े अच्छे आएंगे, आगे भी नहीं आएंगे, आगे भी है जगह, पहले इधर बनाओ फिर आगे चलते हैं, आगे एंट्री भी करवानी पड़ेगी फिर, इधर अच्छे फोटो आएंगे। ये हमारा कैमरा मैन, ऑसम नजारा है यार यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आओ ये सामने लास्ट यहाँ पे पीर की गली है, अभी बर्फ हो रही है, शायद कैमरे में आ रही है या नहीं आ रही, मौसम नजारा है यहाँ पे, वाओ जंगल ही जंगल, यहाँ पे जंगल में ही मंगल होगा। वीडियो को करता हूँ इधर ही क्लोज, तो मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तो चैनल को करो सब्सक्राइब लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके बाय बाय।